हम आपको बताते हैं कि स्पाइरल पोटैटो कैसे बना रहे हैं हम। ये हमारी फाइन क्वालिटी का पोटैटो है। अब इसका हम स्पाइरल बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मुझे स्पेशल मशीन लगा लो। इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। इस पे जैसे हम इसको राउंड अप घुमा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको घुमाना पड़ता है। ये नहीं कि ना जल्दी, बीच में कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं हम इसे लगा सकते। और ये तो अभी कुछ नहीं है प्रोसेस, मेन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट लेवल का है जी। और मेन इसको हम अभी स्पाइरल को अच्छे से ओपन करेंगे। मेन दिक्कत इसमें आती है ओपन करने में। जी जी जी, बीच में से अगर टूट भी गया तो समझो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये आप देख सकते हो क्या बात है, बहुत ध्यान से इसको करना पड़ता है ऐसे। और ये जो एक्स्ट्रा है हम उसको साथ में से उतार देंगे बिल्कुल। ये जैसे ये देख सकते हैं, यह बिल्कुल स्पाइरल है। अब इसको हम मसाले से कोटिंग करेंगे। मेन जो 90% रोल है वो मसालों का है। हम ये जो बनाते हैं ना, ये लिक्विड है जो इसको हम राइस का बनाते हैं, और इसमें हम सारा MDH के मसाले यूज करते हैं। घर का गर्म मसाला यूज करते हैं, इंडियन प्लस चाइनीज कुजीन इसमें यूज किया जाता है। और हम अब इसको रोल ऑन करेंगे। ये सारा मिक्सचर आप खुद तैयार करते हो? जी सर, ये सारा हम खुद मिक्सचर रेडी करते हैं। ये सारा राइस का बनाया जाता है, और इसमें जो मसाले यूज होते हैं वो चाइनीज प्लस इंडियन मसाले, जैसे कि MDH के हम घर में किचन किंग वगैरह यूज कर देते हैं। जी जी, और इसमें बाद में टॉपिंग्स अच्छी अच्छी आती हैं। क्या बात है। जी जी सर, ये देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा रेडी टेक्सचर। और अब इसको हम ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। ये हमने इसको ऐसे, और जैसे आप देख रहे हैं हम अब इसको ऑयल से बाहर निकाल दिया, साथ में हम इस पे मसाला वगैरह स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से, थोड़ा सा ट्विस्टी बन जाए। और जो फ्लेवर है वो हम कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज से लगाते हैं। जैसे किसी ने पेरी पेरी खाना है या तंदूरी खाना है, अब इसकी तंदूरी टॉपिंग हो जाएगी। आप ऐसे देख सकते हो, ये जैसे तंदूरी टॉपिंग है। और हम सर यहाँ पर ना जितना भी यूज करते हैं ना, सब कुछ ब्रांडेड है, क्योंकि कस्टमर ने पहले हमारे पास नहीं आना, यहाँ पर पहले गुरु के द्वार पे आना है जी। तो फिर उन्होंने हमारे पास आना है। ये देख सकते हैं हम, ये सारी चीज ब्लेंड है। क्या बात है। और साथ में इसको थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट दिया जाता है, जैसे हरा धनिया यूज करते हैं सब्जियों पे हम, सेम ऐसे ही। क्या बात है। ये अब इस पे ऑर्गेनो आ गया, और ये हमारा स्पाइरल पोटैटो। क्या बात। इसकी जो प्राइसिंग है वो है सिर्फ 100 रुपीज। 100 रुपीज का। यार सर बिल्कुल बिल्कुल जायज, वो भी गोल्डन टेंपल के बिल्कुल पास, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग यही कहते हैं कि टूरिस्ट एक बार आया नेक्स्ट टाइम पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसको लूट लो। इसके ऊपर हम जितनी भी टॉपिंग करते हैं सारी वीबा की है, ब्रांडिंग की है, एवरीथिंग ब्रांड यूज करते हैं। कस्टमर यहाँ पर आके सीधा देख सकता है। ये हमारी सेकंड ब्रांच बाबा जी की कृपा से चल रही है, ऐसे नहीं हम सेकंड पे आ गए, क्योंकि कस्टमर्स का हमको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसलिए हम सेकंड ब्रांच पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ का रिस्पॉन्स, ये पूरी मार्केट हमारे गवाह बन रही है। क्या बात। हाँ, अभी तो मेरे को जस्ट थोड़ा टाइम हुआ यहाँ पर आए, बट सीरियसली इस मार्केट को मैंने फिदा कर दिया अपने क्वालिटी खिला के। क्या बात है। जी जी, और क्या क्या चीजें होती है आपके पास? और हमारे पास सर यहाँ पर 40 टाइप्स के शेक्स होते हैं, 20 टाइप्स की कोल्ड कॉफीज होती हैं, 10 टाइप्स की मॉकटेल्स होती हैं, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, सैंडविचेज हैं, स्पाइरल है और पास्ता है। मैं बता नहीं सकता, बहुत लार्ज 18 पेजेस का मेन्यू है हमारा। क्या बात है। जी जी, क्या बात है। कहाँ पे आना, कहाँ पे होगा? सर आपको गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल बैक साइड लंगर घर के पास, यहाँ का ब्रह्मबूटा मार्केट नाम चलता है। ये जो मार्केट है ब्रह्मबूटा मार्केट है, आपको यहाँ पर आना है, दूर से आपको मेरा ये रेस्टोरेंट नजर आ जाएगा, द ममस किचन। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, बाई चांस समझ ना आए, कॉन्टैक्ट नंबर है 9100009 7। और जो हमारी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके रात के 4 बजे तक, मतलब पूरी रात चलता है। पूरी रात चलता है। हमको यहाँ पर रात को 2 बजे नहीं पता चलता कि अभी 2 बज गए हैं, हमको लगता है 8 या 9 बजे होंगे अभी तक। क्या बात है। हाँ जी, कितना लगा भाजी? भाजी बहुत वजिए स्वाद इन्हों का जी। इन्हों की सेकंड ब्रांच है, नवी ओपन हुई है घट्टो घट्ट एक हफ्ता एक। असं जल्दी पहली ब्रांच की है गोल्डन टेंपल बैक साइड से जी। अभी घट्टो घट्ट आने दिन उ 2 साल हो गए जी। एडा वजिए टेस्ट है जी, मैं इतने जरूर आओ एक बार खा के देखो, चंगा लगेगा तुम।